नमस्कार दोस्तों, यूं ही शाहरुख खान को मार्केटिंग की किंग नहीं कहा जाता है। ये शाहरुख खान और कैडबरी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जो रिकॉर्ड आने वाले 10 सालों में शायद बॉलीवुड की कोई स्टार के पास नहीं रहेगा। आप सबको पता है कि कैडबरी एंड शाहरुख खान की एक एड कैंपेन आप लोगों को देखने को मिला था जो था जस्ट नॉट ए कैडबरी एड। इस एड कैंपेन ने एक ऐसा रिकॉर्ड को इतनी जल्दी छू लिया है जो कि अनबिलीवेबल है। यस, कैडबरी की इस एड में शाहरुख खान कई सारे स्टोर की मतलब छोटे छोटे दुकानदारों की प्रमोशन करते हुए आपको दिखाई दिए थे। मतलब बॉलीवुड बादशाह दिवाली की मौके पे देश की हर छोटे छोटे स्टोर और दुकानदारों की चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे थे। आप सबको पता थे पेंडेमिक या फिर कोरोना के चलते सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं स्टोर वालों को इन्हीं दुकानदारों को ही चुकाना पड़ा था, जिसके चलते इनकी दिवाली फीकी होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन बॉलीवुड बादशाह ने जिम्मा लिया और कैडबरी के साथ ये कोलैबोरेशन करके इन सभी की चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश की है, जो कि सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहे। आप सबको बता दूं, कैडबरी की इस एड कैंपेन में 1,00,000 एड रजिस्टर कंप्लीट कर लिया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। कैडबरी कोई गूगल की प्रोडक्ट नहीं है कि हर कोई यहाँ आके अपनी एड बनाए। शाहरुख खान के साथ मिलकर कैडबरी ने इस एड कैंपेन को स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ही महा सक्सेस मिल चुका है। और उसकी वजह है वन एंड ओनली बॉलीवुड बादशाह, जिसकी ब्रांड वैल्यू, जिसकी मार्केटिंग बहुत ही हाई लेवल होते हैं। तो बादशाह खान एंड कैडबरी की इस एड कैंपेन ने कंप्लीट कर लिया है 1,00,000 एड रजिस्टर, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, ये एक एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट था, रिक्स बहुत था, लेकिन उसके बाद भी शाहरुख खान और कैडबरी ने हिम्मत दिखाया और हिम्मत की नतीजा मिला है और 1,00,000 एड ऑलरेडी इसकी थ्रो बना दिया गया है। क्योंकि शाहरुख खान सिर्फ कैडबरी की नहीं, इन सभी दुकानदारों की भी अब ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके। मतलब अब शाहरुख सिर्फ बड़े बड़े ब्रांडों की नहीं, इन छोटे छोटे दुकानों के भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके। कमेंट सेक्शन में आप इस यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी राय रखिए, साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।